हाँ तो देखिए ये आरओ यादव के हिंदी श्रृंखला का जो पर्यायवाची का वीडियो आपका जो सीरीज वाइज चल रहा है उसका पर्यायवाची का नेक्स्ट वीडियो आज यहाँ पे पेश किया जा रहा है। और इस पर्यायवाची की इस वीडियो में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और काफ़ी आए हुए रिपीटेड प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। इसको आप क्या करेंगे, देखेंगे और याद भी करेंगे। देखिए पुत्र, तो पुत्र का देखिए पर्यायवाची क्या क्या होता, आत्मज, तनय, सुत, सुनु। सुत और सुनु यानी कि हम सुनु क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुत सुनु पुत नंदन, नंदन कुमार लड़का बेटा, वत्स और तनुज, और तनुज। नेक्स्ट है आपका पुत्र का, नेक्स्ट है पुत्री का। दोनों में देखिए अंतर यानी कन्फ्यूजन कैसे निकाला जाता है। पुत्र में जब पुत्र के पर्यायवाची में जब लास्ट के शब्द में जा आ का मात्रा लगा देंगे तो सब क्या हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे देखिए तो तनय किसका है, बेटा का यानी पुत्र का, जैसे आ का मात्रा लगाए तनया तो किसका हो गया, बेटी का यानी पुत्री का। तो तनया किसकी है, पुत्री का। और सुत बेटा का, तो मात्रा लग गया सुता यानी बेटी का, यानी मात्रा लगाए बेटा के पर्यायवाची में तो बेटी का पर्यायवाची परिवर्तन हो जाएगा तो सुता। और तनुज देखिए, तनुज बेटा का, यहाँ पर मात्रा लग गया तनुजा, तो तनुजा। नहीं एक आप याद करेंगे तो दो आपको टिक से याद हो जाएगा, तनुजा आत्मज बेटा का और आत्मजा बेटी का। आत्मजा, दुहिता, कन्या, नंदिनी, नंदिनी और नंदन, मात्रा लग गया नंदिनी हो गया, बेटी का हो गया। दुस्तर, दुस्तर आपको याद रखना है, दुस्तर बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, दुस्तर किसका पर्यायवाची है, तो पुत्री का पर्यायवाची है। दुस्तर, धिया और बिटिया आप जिसको पकड़ी रहे, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्या आपका, दुस्तर, नंदिनी, आत्मजा, तनुजा और तनया, ठीक। नेक्स्ट वृक्ष के, वृक्ष के देखे गाछ, बिटप, तरु, आगम, पादप, द्रुम, महिरु, मोस्ट इम्पोर्टेंट महिरु, बिटपी यानी कि बिटप और बिटपी दोनों किसके पर्यायवाची हैं, वृक्ष के। बिटपी, साखी और कुट, कुट आप कन्फ्यूजन हो, कुट घड़ा का भी पर्यायवाची होता है लेकिन कुट वृक्ष का भी पर्यायवाची होता है। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ए प्लस बी आंसर में भी रहेगा, अगर दोनों नहीं रहेगा तो कुट किसका होता है, वृक्ष का भी होता है और घड़े का भी होता है, ठीक। नेक्स्ट जल, देखिए जल का अंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंक अवंक अक्षर का भी होता है, गोद का भी होता है और जल का भी होता है। अंक, अम्ब, उदक, कम्बद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जल का पर्यायवाची, बाकी तो आप जान ही रहे जी वाले। कम्बद आपको याद रखना है, क्षीर याद रखना है, धनरस याद रखना है, मेघ पुष्प, पन पन याद रखना है, वही रखना है, वह वही है वही नहीं है, अगर वही आएगा तो, अगर वही आता है तो किसका हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वही है, वह बा है वाह नहीं, तो वह किसके हैं, जल के। संबर, संबर भी किसके पर्यायवाची है, जल के। सारंग, अड़, सलिल, तो सलिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अड़ इम्पॉर्टेंट, सारंग में भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि भावरा का भी होता है और जल का, लेकिन आप अगर आएगा तो भावरा का ही लगाएंगे सारंग, लेकिन इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, अड़, सलिल, संबर, बह, पन, छीर और कबंध और अंक, इतना याद रखना है। नेक्स्ट मुश्किल का, मुश्किल का पर्यायवाची देखिए क्या होता है, क्लिष्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, विपत्ति, संकट, आफत, कष्ट साध्य, दुष्कर, दुष्कर,
बाकी तो आप कीजिए कड़ा, कठिन, मुसीबत और परेशानी। याद क्या करना है इसमें, दुष्कर, कष्ट साध्य और क्लिष्ट, कष्ट साध्य और क्लिष्ट। फिर नेक्स्ट राम का, तो राम का देखिए पता अच्छी क्या था, रघुनाथ, रघुनाथ अमिताभ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमिताभ, कई बार परीक्षा में किसका पर्याची अमिताभ, राम का। दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, सौमित्र मोहन, एक ही में सौमित्र मोहन और रघुवंश मणि, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौशलपति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, इसमें आपको अमिताभ, रघुवंश मणि और कौशलपति विशेष ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट बसंत, बसंत का देखिए कुसुमाकर, ऋतुराज, पिकानंद, पुष्प समय, मधु ऋतु, बहार, मधु, मधुकाल, माधव। तो ये सब किसके पता चाहिए, बसंत के। लेकिन इसमें आपको याद क्या करना है, जो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता तो गलत हो जाता है, क्या पिकानंद और पुष्प समय, यानी पिकानंद और पुष्प समय पे विशेष ध्यान देना, बाकी याद तो सभी करना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि गुमा प्राप्त परीक्षाएँ में आते हैं और गलत हो जाते हैं, और गलत होने का मतलब निगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन अपने आप में बड़े मायने हैं, तो इससे विशेष ध्यान देना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, फिर नेक्स्ट है तलवार। देखिए तलवार का बहुत बार पूछता है गुमा प्राप्त, हमने पहले एक वीडियो में करा चुके हैं तलवार का, लेकिन कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट शब्द थे छूट चुके थे, इसलिए दोबारा ये रिविजन होगा तलवार का। तलवार देखिए क्या है, असि, लखाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृपाण, खंजर, खड़ग, चंद्रहास, करवाल और शमशीर, और क्या शमशीर। इसमें आपको याद क्या रखना है, शमशीर, करवाल, चंद्रहास, खंजर, लखाल और कृपाण, और कृपाण। नेक्स्ट डर का, देखिए डर का भय, भीति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रास, खौफ, साहस, अंदेशा, आतंक और विभीषिका। इसमें आपको बेसिकली सब पे ध्यान देना है, सब इसके इम्पोर्टेंट है, डर के, विभीषिका। ठीक, नेक्स्ट है प्रशंसा, प्रशंसक देखिए गुणगान, नदी है, नदी नहीं क्योंकि दापे छोटी की मात्रा है, नदी, सलाघा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सलाघा, स्तुति। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक, स्तुति पूजा का भी पर्यायवाची होता है, पूजा, अर्चना, आराधना, साधना, हमने पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। तो स्तुति अगर आता है तो किसके किसके होते हैं, प्रशंसा के भी होते हैं और तारीफ के। जैसे आप किसी की पूजा करते हैं तो उसकी क्या प्रशंसा, तो है प्रशंसा ही करते हैं, तो स्तुति और तारीफ, उसकी बड़ाई, तारीफ, बड़ाई, सराहना। तो सराहना, तारीफ, स्तुति, सलाघा और गुणगान। पर्याची में एक चीज़ आपको याद रखना, जब पर्याची याद ना हो या समझ में ना आए कि इसका पर्याची का क्या होगा, ये पर्याची होगा या ना होगा, तो तुरंत तो उसको आप तोड़ लिया करिए, संधि विच्छेद कर लिया करिए। स्तुत को तोड़ेंगे जब, स्तुत मतलब किसी की पूजा करना, अब पूजा करना मतलब किसी की बड़ाई करना है, गुणगान करना, स्तुत क्या पूजा का भी हो गया और बड़ाई का भी हो गया। तो उसको शब्द को तोड़ करके जब अर्थ को लगाएंगे तो पकड़ लेंगे, सबसे अच्छा तरीका पकड़ने का है। फिर नेक्स्ट, और याद है तो सबसे बेटर है, किनारा का, देखिए किनारा का तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है का पर्यंत। हमने पहले वीडियो आपको बता चुका हूँ, पर्यंत तत्सम शब्द भी है किसके, पलंग के,
पलंग का तत्सम का देखा जाए तो पर्यंत भी होता है। अब पर्यंत पर्यायवाची भी किसका है? किनारा का। पर्यंत रोध प्रतीर, आपको इसमें याद क्या करना, प्रतीर पर्यंत सिरा, बाकी तो आप छोर पकड़ ही लेंगे, कुल तीर। तीर में भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन तीर किसका भी पर्यायवाची है? किनारा का। इस तरह से हम आपको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची आपको नोट करा दिए हैं और इसको आप देखेंगे और हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पर्यायवाची आपको देखने में क्या एहसास हुआ, और फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पर्यायवाची का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।